वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। आज से फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए भाई सभी भाइयों से माफ़ी। काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे रेगुलर वीडियोस के लिए, और जिन जिन भाइयों ने और मेरी बहनों ने जिन्होंने भी मैसेज किए हैं भी वीडियो नहीं आ रही, क्या चक्कर है, तो उसके लिए मैं बता दूँ भी थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, इस वजह से काफ़ी टाइम से फिर असाइनमेंट्स आ गई थी और सबमिटेशन था, एग्ज़ाम भी था, तो इन वजह से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। अभी फिर से शुरुआत करते हैं एक नई, और इसमें आज की वीडियो वैसे मैंने कोई प्रिपेयर नहीं की है भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, और पर मैं रफली आपको बताने जा रहा हूँ भी जो जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है और यहाँ यहाँ के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ों के ऊपर। तो बात करेंगे आज हम जो ये सीजनल वीज़ा आ रहा है, जो इंडिया में 15-20 लाख तक का आराम से बिक रहा है, जो 6 मंथ का हो रहा है, उसके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं मेरे को भी, लोग ले रहे हैं ये वीज़ा ले रहे हैं। तो भाइयों पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूँ, कंपनी का डेटा, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सब चेक करके आना, बाद में ये ना हो भी मेरे को डिपोर्ट कर दिया और ये कर दिया, मेरा वीज़ा नहीं चेंज हो रहा, मैंने 15 लाख दिए थे और मैंने 20 लाख दिए थे 6 मंथ के एंट्री के लिए दिए थे। क्योंकि पहले लोग क्या होते थे, डोंकी मारते थे, अब फेक वीज़ा, फेक कंपनियाँ। सो जैसे जैसे ज़माना अपडेट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से जो स्कैम करने वाले हैं, जो मान के चलो भी फेक वीज़ा देते हैं, वो सारी फेक डिग्री वाले सारे अपडेट हो रहे हैं, सबके पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इस वजह से आपको मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ भी यहाँ लोग क्या कर रहे हैं। अभी मेरे जिस हिसाब से मैंने जैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया, उस हिसाब से क्या करते हैं लोग यहाँ पे, जो डिपेंडेंट वीज़ा पे होते हैं या फिर जिनके पास इनडेफिनेट लीव होती है, तो वो क्या करते हैं, एक कंपनी ओपन करते हैं, उसका टैक्स भरते हैं और इनकॉर्पोरेट में थोड़ा बहुत लेके आते हैं, उसको ज़्यादा उसका नहीं दिखाते, और वीडियो कोरियोग्राफी फोटोग्राफी इस चक्कर के अंदर क्या करते हैं, उसको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं 6 मंथ की, जो इनके कनेक्शंस होते हैं इंडिया से लेके यहाँ तक। तो इंडिया में बैठा कोई एजेंट होता है, वो बोलता है यहाँ किसी को बंदे को भी, तो ऐसे ऐसे करके ये काम कर और इस हिसाब से वीज़े आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पहुँचा तो देंगे, पर उसके बाद वर्क का क्या, क्योंकि कंपनी के पास तो खुद के काम पास भी काम नहीं होगा। चल आप डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, वो 6 मंथ तक रहोगे आप, और मेरे को ये बात बताओ भी जहाँ स्टूडेंट्स को, जहाँ डिपेंडेंट्स को काम की दिक्कतें आ रही है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा भाई यहाँ काम बस फुल पढ़ाई पढ़ाई अभी आप आगे लग जाओ, हाँ डिफ़िकल्ट हो रखा है, जनवरी इंटेक के बाद काफ़ी मुश्किल हो रखा है स्टूडेंट्स के लिए काम लेना। और ये मेरे में काफ़ी इस वीडियो में नहीं, काफ़ी मान के चलो पिछली जो 1.5-2 मंथ तक वीडियो नहीं आई, 1.5-2 मंथ से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उनमें मैंने साफ कहा था भी स्टूडेंट्स को काम में दिक्कत आ रही है, और अभी इतने स्टूडेंट आए हैं उस हिसाब से तो सेटलमेंट में टाइम लगे। वही होता है भी जनवरी में भीड़ आती है, फिर धीरे धीरे सारे इधर उधर सेट होते हैं, मई तक जाके फिर सितंबर में नहीं आ जाते हैं, तो ये सीजनेबल इनका चलता रहता है। पर जो जो भाई मान के चलो स्टडी में, अगर मैं कह दूँ किसी को भी ना भाई तू स्टडी लेके ना, बैचलर लेके ना, पर क्योंकि इंडिया में ये अपने भागदौड़ तो मची हुई है, अभी आना है तो आना ही है, तो उस वजह से अगर वो वर्क वीज़ा पे आए तो अपनी कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करके आए भाई, और वेदर आप पीछे देख ही सकते हो, सुबह धूप निकली थी, गर्मी थी, अभी ठंडी बस हवा चल रही थी, और अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो वेदर तो अनप्रडिक्टेबल सा हो रखा है, कई दिनों से मौसम चेंज हो रहे हैं, गर्मी आ रही है, और फ्लू वगैरह भी यहाँ पे चल ठीक है अभी, वो सारी चीज़ें अलग है। पर जो जो बंदे इंडिया से स्पॉन्सरशिप या फिर 6 मंथ का जो वीज़ा है वो सीजनेबल वीज़ा, तो कोई हॉर्टिकल्चर कंपनी या पोल्ट्री फार्म वाले देते हैं, वो 1 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मिलता है, तो उसके बीच में उसकी एंट्री नहीं होती, और अभी रेगुलर वीडियोस इसके ऊपर आएगी भी कौन सा वीज़ा कैसे और क्या रिक्वायरमेंट है। और एक और कमेंट्स के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं भी, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक होता है भी क्या हमें वर्क परमिट मिल जाएगा, हमें वर्क वीज़ा मिल जाएगा, हमें स्टडी पे नहीं आना, और मैंने तो भाई 10 जगह अप्लाई कर लिया, मैंने तो 20 जगह कर लिया, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, और मैंने तो 15 जगह कर लिया। तो भैया मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट है 10-15 जगह अप्लाई करने में, तो उनका रिप्लाई नहीं आता, तो आपका कहाँ से आएगा। और आपको तो जो इंडिया से स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं या वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, मैं उनको साफ साफ बता दूँ भी भाइयों आपको तो जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं या फिर यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग रहते हैं, बारिश आ गई, थोड़े से ब्रेक के बाद बताता हूँ अंदर जाके। तो अपने आ गए हैं भैया बालकनी में, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो अभी बताते हैं आपको भी जो रिप्लाई नहीं आ रहे थे उनके क्वेश्चंस के भी, मैंने तो भाई 10 जगह 20 जगह अप्लाई कर लिया, मेरा तो रिप्लाई नहीं आ रहा, मैंने तो यहाँ काम किया है,
देखो इंडिया छोड़ के आपको अगर यहाँ कोई जॉब देगा तो कॉमन सेंस वाली बात है भी, या तो आप इनसे ज़्यादा कैपेबल हो या आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जो इनके पास नहीं हो, फिर ही आपको जॉब मिलेगी। केयर होम वाली जॉब्स ऐसे होती है, वो चलो ठीक है, मान के चलो कोई नर्सिंग बैकग्राउंड है, अच्छा सीवी है, वो चलो मिल जाती है। पर अलग जॉब है, जैसे मान के चलो होटल्स हो गए बड़े बड़े, उनके अंदर मैनेजर वगैरह, ज़रूरी नहीं इंग्लैंड में भी करो, स्कॉटलैंड साइड, एडिनबर्ग इस साइड भी अप्लाई करो, आयरलैंड हो गया, आयरलैंड भी तो एक अच्छी कंट्री है, ऐसी कोई बात नहीं। तो उनको मैं बता दूँ भाई, यहाँ जो ग्रेजुएट होते हैं जॉब्स तो उनको ईजिली नहीं मिलती, उनको पता नहीं। अब जैसे मैंने एक मेरे प्रोफेसर हैं जो इसमें है, उन बुक वगैरह भी लिखी हुई, काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है, और उसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उसने लेक्चर्स दिए हुए हैं, मतलब पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी में करियर एनहेंसमेंट की क्लासें लगाने आता है जो ये जॉब से रिलेटेड और यही उसकी फील्ड है। तो मैंने पर्टिकुलरली उस बंदे से पूछा था भी कैसे, मतलब हमें कहाँ दिक्कत आती है, तो उसने कहा था भी 2002 के अंदर वो यूके के अंदर आया था, उस टाइम से उसने यूरोप का है वो, स्पेन का, उसने वहाँ से डिग्री की, फिर यहाँ आके डिग्री की, और उनकी डिग्री का उसका रिज्यूम देख लो, डिग्री देख लो और एजुकेशन देख लो तो भरा पड़ा है पूरा, मैंने खुद देखा था उसका रिज्यूम। तो अभी वो बंदा, उस बंदे ने मेरे को साफ साफ कहा है भी जब मैं मेरे टीचर के पास यही क्वेश्चन लेके गया था ना भी, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहे, तो सीवी का सिर्फ इतना ही काम होता है भी, सीवी आपको एक इंटरव्यू तक पहुँचा सकता है, तो इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद इंटरव्यू आपने देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है उस फील्ड के बारे में। पर अगर बात करें भी, वो कह रहा है भी मैंने अप्लाई किया रिप्लाई नहीं आ रहा, तो उसने कहा भी मेरे को सन 2002 के अंदर किसी प्रोफेसर ने ये कहा था भी एटलीस्ट 200 अप्लाई कर और फिर मेरे पास आ, अभी कितनों का रिप्लाई आया कितना नहीं आया। तो उस टाइम ये कहा था जब लोग जॉब की तरफ नहीं भागते थे या फिर इतना कोई जॉब का क्रेज़ नहीं था या मूव होने का क्रेज़ नहीं था। पर आज अगर मैं आपको बात देता हूँ भी आज ये सीन है, तो आपको देखो कितना अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक साइड के अंदर तो रखो जो भी जितने भी 5 साल का अगर कोई कंपनी आपको हायर करे किसी आईटी सेक्टर में, किसी इंजीनियर में, किसी कंस्ट्रक्शन, किसी फील्ड के अंदर आपको हायर करे, तो कितना 5 साल का वीज़ा मान के चलो, सैलरी एटलीस्ट जो के रोमल 10 पाउंड के हिसाब से ही 22-23 हज़ार पाउंड बन जाती है, 22-23 हज़ार पाउंड साल की बन जाती है, 22-23 लाख रुपये जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से। तो अब आप ये सोचो भी आप कैपेबल, एक तो आपको फ़ीस नहीं पे करनी, सब कुछ नहीं करना, फ़ीस वगैरह कुछ नहीं पे करनी, आगे सीधा जॉब स्टार्ट करनी है और पे लेनी है और काम करना है, तो यहाँ आपको ऐसे तो नहीं है भी सीधा वेट ही कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको उसके लिए कैपेबल होना पड़ेगा स्किल्स। तो सीवी के अंदर जो रिक्वायरमेंट लिखी होती है जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर, जब आप जॉब सर्च करते हो तो क्या वो आपके सीवी के अंदर मैच करती है या नहीं करती, तो आपको फिर वो कैसे रिप्लाई देंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता भी कोई किसी को ऐसे इस तरीके से हायर करेगा। तो खुद उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और स्किल्स और मान के चलो एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं सीधा इंग्लैंड में भी अप्लाई करो, आप यूरोप में भी अप्लाई कर सकते हो। तो भैया अप्लाई रेगुलर करते रहो, उसमें कुछ नहीं आता, क्योंकि एक अप्लाई से आपको एक जॉब मिलती है, डेली की आपने 10 या 20 का टारगेट रख लिया, अभी आपने इतने सीवी के अंदर अपनी मॉडिफिकेशन करके और जॉब रोल्स के हिसाब से डिफाइन करके और इसको यहाँ सेटलमेंट कर दूंगा, तो वो चीज़ आप करोगे वो हो गया। और एक 20-25 लाख रुपए आपने किसी को केयर होम वाली जॉब इंडिया से स्पॉन्सर, लगभग 25 लाख चल रहा है, एक 25 लाख रुपए एक साइड में 25,000 पाउंड और एक हो गया मान के चलो एक जॉब से, उससे आपको कम चांस है। एजेंट करवा देंगे ऐसी कोई बात नहीं, अभी एजेंट नहीं करवाते, पर वही है ना भी आप कैपेबल होने चाहिए 20-25 लाख रुपए देने के लिए। बहुत सारे एजेंट हैं जो ऐसे स्कैम वाले या फिर फेक कंपनीज के थ्रू भी कर रहे हैं, जिनका कल का कोई बंद होने का भी मान के चलो अभी कोई है नहीं, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जैसे भी करके। और ये अपने खड़े हैं भाई बालकनी के अंदर, बाहर का वातावरण तो बिल्कुल ठंड, सोचा था गर्मी आएगी पर ठंड आ गई, स्कूटी नीचे खड़ी है और यहाँ पे बर्फ हुई है, पड़ करो यूके का वेदर, ये यहाँ पे आ गए गुलाबी फूल आ गए पेड़ों के, पहले तो नहीं थे तो पता नहीं, चलो जो भी है, पर जॉब से रिलेटेड वही है हम सब मेरे। तो थैंक यू भाई देखने के लिए, और
आगे की वीडियो स्पेसिफिक कोई टॉपिक पर लेके आता हूँ जिसके ऊपर सीजनेबल या फिर कोई भी वीज़ा के ऊपर आपको स्पेसिफिक, और आप इसके कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन भी दे सकते हो कि किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मैं पूरा मतलब सर्च करके और फिर ही कोई वीडियो या फिर अपने बनाते हैं। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। राम राम भाई सभी भाइयों को। एक और